ये देखिए इन पे हमला किया गया, इनकी नाक पे लगी है। और ये देखो ये औरतें बच्चे देखिए, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए गुंडा का देखिए बाहर। अब जो जंगलात वाले हैं ये देखिए, रईस रेंजर को पीटा गया, आपको पीटा गया, और अभी जो है बाहर सारे लोग खड़े हैं। जो शुपियान का जर्नलिज्म है उनके हम इस तरह शुक्रगुजार की कौमी असासे के साथ साथ उन्होंने वो आज यहाँ इस जंगल में पहुँचे मवेशियों के हकूकों की पासदारी करने के लिए भी। तो आज हमने ये देखा, आज तक हम जंगलात वालों से ये कह रहे थे कि ये आखिर ये जो लैंड ग्रेबर्स है, स्मगलर्स है, ये ऐसे कामयाब कैसे होते जा रहे हैं। सर पुलवामा शोपियान यहाँ आया था तो उसने अपने साथ प्रोटेक्शन भी लाया था साथ में, जो उसके वो मुलाजमीन थे। तो जो ही उन्होंने उनके उन जो उन्होंने वो कब्जा किया था जहाँ उन्होंने बागात बनाए हैं और जो जमीन उन्होंने उसकी हदबंदी कर दी है अपने कोठों के इर्द गिर्द, तो उन पे वो इस तरह टूट पड़े कि हमें भी ये समझ नहीं आया कि गवर्नमेंट आखिर है कहाँ। जब हमने उनके साथ बात की तो उन्होंने बोला, आज तक भी हम उनसे पूछ रहे थे, यार अगर आप जंगलात का तनख्वाह जो ले रहे हैं आप गवर्नमेंट से, आखिर ये लैंड ग्रेबर से क्यों पल रहे हैं, स्मगलर्स कहाँ से फूल फल रहे हैं, तो ये जंगलात खत्म क्यों हो रहा है, और जंगलात को खत्म कर करके ये पहले जंगलात को खत्म करते हैं, उसके बाद कोठे बनाते हैं, उसके बाद हदबंदी करते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको बागातों में तब्दील करते हैं, मेवा बागात बन चुके हैं उस जंगलात के। तो वो कह रहे थे कि हम जब भी हम कोशिश करते हैं तो आखिर हमें फिर बाद में सरकार की तरफ से कोई प्रोटेक्शन उस तरह का नहीं मिल रहा है, ना वहाँ का कोई सपोर्ट मिल रहा है जिससे हम इनको पूरी तरह से दबोच लेते। तो लेकिन आज हमें ये पूरा एहसास हुआ जब हमने देखा रेंज अफसर पुलवामा को और उसके साथ जो मुलाजमीन थे, मीडिया वाले थे, उनको किस तरह पीटा गया और उनके साथ कौन सा सलूक किया गया वहाँ पे। तो आखिर ये गवर्नमेंट, हमें ये नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट है कहाँ पे, इतना कुछ हो रहा है, कौमी असासा खत्म हो रहा है, लूटा जा रहा है, और आज के बाद हम ये गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि अगर उनको इस जंगल को बचाना है तो वो ऐसा कुछ कानून बनाए, ऐसा कुछ इनको प्रोटेक्शन दे कि इसको आगे जाने से रोके और इनको वहां से इवैक्यूएट करे। ठीक है, मवेशियों के ग्रेजिंग राइट्स है। और दूसरा मेरा अहम जो है मसला है, जो ये कमेटियां बनी है फॉरेस्ट के एक्ट कमेटियां, तो उसमें इनको ये पहले देखना होगा कि ये जो गुजर है, जो भी इस जंगलात के साथ बसे हुए लोग हैं, इन्होंने ये तो पहले ही 10-10, 20-20 कनाल जमीन इनके पास जंगलात की जमीन ही है, और आगे जाकर अब ये जंगलात जंगल जो बचा खचा जंगल है उसमें जाकर बस जाते हैं, ताकि हमें ये 10-10 मरले जो गवर्नमेंट का कुछ ऑर्डर बना है तो उस पे भी ये कब्जा कर लेंगे, जबकि वो पहले ही 10-10, 20-20 कनाल उन्होंने अपने कब्जे में लिए हैं, उसको बागात बनाए, उसको मिलकियत जमीन बनाई है, उसमें बागात बनाए हैं, तो अब ये और आगे क्यों बढ़ रहे हैं।